अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत की बात करें तो इस फिल्म को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है और फिल्म के गाने और ट्रेलर लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं। लेकिन इसी बीच भारत फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों के लिए चाइना बॉक्स ऑफिस काफी अच्छा साबित रहा है और बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्में वहां पर रिलीज होकर अच्छा खासा बिजनेस भी कर पाई हैं। और ऐसे में अब मेकर्स भारत फिल्म को चाइना में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे कि सलमान खान चाइना में डिस्ट्रीब्यूट राइट के लिए बायर को ढूंढ रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि सलमान खान चाहते हैं कि भारत फिल्म को चाइना में भी रिलीज किया जाए, यानी सलमान खान की फिल्म भारत जहां इंडिया में 5 जून 2019 को रिलीज किया जाना है। और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म भारत चाइना में एक हफ्ते के अंतराल के बाद रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल इन सब चल रही खबरों में कितनी सच्चाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर भारत फिल्म चाइना में रिलीज होती है तो जाहिर सी बात है ये फिल्म वहां पर अच्छा खासा बिजनेस कर पाएगी, क्योंकि ऐसी फिल्मों का क्रेज चाइना के दर्शकों के बीच काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आमिर खान की दंगल भी काफी बढ़िया बिजनेस करके दिखाई थी और सीक्रेट सुपरस्टार के अलावा हिचकी जैसी छोटे बजट की फिल्में भी वहां पर अच्छा खासा बिजनेस कर पाई थी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान की फिल्म भारत भी चाइना में अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी।